अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न डॉट पी के। आज हम अपना MDCAT का लेक्चर 1.3 सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फ्लूइड मोजेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है वो काफ़ी डिटेल से देख लिया। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को, ये कहाँ पाया जाता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्यों है, और इन सब टॉपिक में से MCQS किस तरह से बनते हैं, और इनके कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रोसेस होते हैं, और क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कब और कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, प्रोटीन्स क्या हैं, F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन है, और ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश के लेक्चर में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हैं, जिनका हम प्लूरल बनाने के लिए, जैसे क्राइटेरियन है सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए आखिर पे ए लगा देते हैं, क्राइटेरिया। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया जोन से हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके ATP एनर्जी बनाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल भी इन्हें कहा जाता है। इनका काम है एनर्जी को मैन्युफैक्चर करना और डिफरेंट पार्ट के सेल को सप्लाई करना। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो से हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके ATPs और पावरफुल एनर्जी बनाते हैं। अब इस MCQs इस टॉपिक से भी एक काफ़ी कंसेप्ट रिलीज होता है और MCQs बनता है। इसे भी हम MCQs के जरिए ही आपको समझाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यू टू लार्ज एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट हैपन्स, ATP डिक्रीजेज, ऑर्गेनिक मटेरियल डिक्रीजेज, बोथ इंक्रीजेज, बोथ डिक्रीजेज। अब मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हुए ATP की सेंसेस करना। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा काम करेगा तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे वो कन्वर्ट कर रहा है ATP में, तो वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहेगा और ATP इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ATP की फॉर्मेशन, एनर्जी की प्रोडक्शन ही तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। सो इधर देखें भी इस तरह से भी कंसेप्ट को वो बिल्ड करते हैं। कंसेप्ट होता नहीं बल्कि उसे खुद बिल्ड किया जाता है अपने माइंड में कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा काम करता है तो जाहिर बात है वो ऑर्गेनिक मटीरियल को यूज़ कर रहा है, तो टाइम के साथ ऑर्गेनिक मटीरियल डिक्रीज होता जाएगा। खैर, इससे भी पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि जब स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी तो हमारा हाफ लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें से चंद डबल मेम्ब्रेन बाउंड्रीज हैं, चंद सिंगल मेम्ब्रेन और चंद मेम्ब्रेन लेस हैं, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके साथ साथ न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड्रीज है, और जो सा माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्रीज ऑर्गेनेल है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और इस प्रोटीन में इस लिपिड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, और इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S राइबोसोम्स, और ये जो क्रिस्टा है इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टा कहते हैं। इसके जो इनर अंदर एक मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स, को एंजाइम और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ इसमें एक DNA पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। और अब हम ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में कौन सा काम किधर होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो गया, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक कलरलेस सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं जो कि तमाम यूकैरियोट में, अप्रॉक्सीमेटली आर यूकैरियोट में पाए जाते हैं। सेम ये वर्ड लिखे हुए हैं फेडरल नेशनल बुक की बोर्ड में और मोस्ट बुक में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। एक यूकैरियोटिक सेल ऐसा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए, और उसका नेम है मोनोसिर कोमोनाइड्स। ये काफ़ी लंबा नेम है और काफ़ी अजीब अजीब नेम रख देते हैं साइंटिस्ट। और रेड ब्लड सेल जब मेच्योर हो जाते हैं तो उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती। तो माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूकैरियोट्स में पाए जाती हैं, लेकिन एक यूकैरियोट में नहीं पाए जाते। इसकी लेंथ, इसकी शेप, ये रेंज, इसकी लेंथ होती है 1.5 to 10 माइक्रोमीटर के दरमियान,
जबकि इसकी विथ जो चीज है वो 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है और इसका डायमीटर 1 मीटर से क्रॉस नहीं करता। तो ये थे इसका पी कहाँ पाया जाता है, तमाम यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और कहा जाता है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया जोन सा था ये एक प्रोकैरियोट था और ये इंडिपेंडेंट था, बाद में इसने ज्वाइन कर लिया किसी एंडोसिम्बियोटिक जोन सा, हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक ये किसी यूकैरियोट के ओल्ड सेल में प्रोटिस्टा में एंटर हो गया और दोनों ने मिलकर रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग और वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम। आपको एक और बात बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है वो भी सर्कुलर होता है, और जो सा बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है वो भी सर्कुलर है, जबकि हमारे अंदर ह्यूमन और दूसरे यूकैरियोट के अंदर जो सा क्रोमोसोम या डीएनए है वो स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लाइन की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में नहीं, जबकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जो सा डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अंदर भी सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, और जो राइबोसोम है वो भी 70S राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जो कि ये बात साबित करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरिया से कुछ तो रिलेशन है, जिसकी वजह से दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। अब इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो आपको पॉइंट बताया मैंने कि इसका सर्कुलर डीएनए है, लीनियर नहीं, जबकि हमारा लीनियर क्रोमोसोम है, लीनियर जेनेटिक मटीरियल है, और इसमें भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, आर्किया में। अब एक एमसीक्यू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट इन डेड सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया, ऑल हैव। तो बैक्टीरिया में जो आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट है, उसमें राइबोसोम इस्तेमाल होते हैं, वो 70S हैं, लेकिन प्लांट सेल में, एनिमल सेल में मोस्टली स्टूडेंट ये कंसिडर करते हैं कि नहीं होते, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों के अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो सेल का हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में पाया जाता है, इसमें भी 70S राइबोसोम होते हैं। जो उनसे 70S राइबोसोम है वो तमाम सेल में पाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ प्रोकैरियोट में, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्गेन है यूकैरियोटिक सेल में जिसके अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन, ऑल हैव 70S राइबोसोम इन डिफरेंट लोकेशंस। पहले दो टॉपिक क्लियर हो गए, अब तीसरा देखते हैं, व्हाट इज FN पार्टिकल्स, ये कहाँ होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं लॉलीपॉप लाइक छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं FN पार्टिकल्स। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है ATP की सेंथेसिस करना, ATP की सेंथेसिस करना इनका फंक्शन होता है, और इनके काफ़ी ज़्यादा नेम है डिफरेंट बुक्स में। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, इसके साथ ऑक्सीजोम भी, और F1 पार्टिकल्स को हम ATP सेंथेसिस कम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रैब साइकिल जकर हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इनका काम होता है कि उन प्रोसेस के दौरान ATP के सेंथेसिस कराना। तो ये पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन में, और इनका जो एंड होता है वो मैट्रिक्स के अंदर होता है, ना कि इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है क्रिस्टा, और मैट्रिक्स के तक पहुंचे होते हैं। इनका काम है जब सेल रेस्पिरेशन हो रही होती है तो ATP की बना की फॉर्मेशन करना। अब सोचने की बात है कि जो उनका DNA है, RNA, तमाम टाइप का RNA माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑल टाइप्स ऑफ RNA आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। DNA, सर्कुलर DNA, ये तो पाया जाता है मैट्रिक्स में, तमाम RNA भी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, जितने भी साल्ट हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये तमाम के तमाम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो कि सेंट्रल स्पेस है, और क्रिस्टा के इनर साइड में पाए जाते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं ATP की फॉर्मेशन में। अब ये लास्ट ईयर 2018 में MCQ आया था कि जो उनसे एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, और इसके साथ साथ जो उनसे अदर स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयंस, ये कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स आर प्रेजेंट इन डैश पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स,
जो कि दो मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, वहाँ F1 पार्टिकल्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन क्रिस्टल। तो ये पाए जाते थे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और क्योंकि एंजाइम, कोएंजाइम, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग जितने भी एंजाइम थे वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो इसलिए जो उनका क्रैब साइकिल है जिसे एंजाइम की ज़रूरत है वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो कि अक्सर एंटीटेस्ट में पूछा जाता है कि वेयर क्रैब साइकिल अकर। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि 11 चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स में कि क्रैब साइकिल जो सा है वो होता है सेल माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके एंजाइम्स और कोएंजाइम्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज पोडिंस। आपको मैंने बता दिया क्रैब साइकिल कहाँ होता है और क्यों होता है, क्योंकि इसके जहाँ एंजाइम और कोएंजाइम होंगे वहाँ होगा क्रैब साइकिल, और कोएंजाइम और एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्योंकि ये स्टेटमेंट क्लियर की पंजाब टेक्स्ट बुक ने वाजह नहीं की कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो इसलिए स्टूडेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी था और अक्सर ये MCQ पूछा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो सी आउटर मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और उसके साथ साथ उसमें खास इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं। इंटेग्रल प्रोटीन क्या होती हैं? आपको मैंने सेल मेम्ब्रेन वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया कि प्रोटीन की डिफरेंट टाइप होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। कुछ होती हैं सरफेस प्रोटीन, कुछ होती हैं इंटेग्रल प्रोटीन, और कुछ दरमियान के अंदर एम्बेडेड होती हैं जो कि मोस्ट लेस पाई जाती हैं। तो प्रोटीन जो से हैं ये इंटेग्रल प्रोटीन हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है ये मोस्टली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ये भी एक कंसेप्ट है आपको बता दूँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म और इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो होती है इसमें शुगर और इसके साथ साथ जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वाटर ये इजीली मूव कर सकती हैं फॉस्फोलिपिड से। क्योंकि आपको मैंने काफ़ी डिटेल के साथ सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट में बताया था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इजीली पास करते हैं आउटर मेम्ब्रेन को, कौन से नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को पास। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन में, इन दोनों की कंपोजिशन में इनर मेम्ब्रेन स्पेस का जो सा फ्लूइड है और साइटोसोल है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जो उनका वाटर है इसके साथ साथ शुगर के मॉलिक्यूल ये इजीली मूव करते हैं। अब पोडिंस का फंक्शन क्या है? पोडिंस जो उनसे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, और डिफरेंट आयंस को या इसके साथ साथ मटीरियल्स के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ये फंक्शन होता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में इंटेग्रल प्रोटीन थी जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। जो चैनल प्रोटीन्स थी वो आपको मैंने बताया था कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करती हैं सिलिट्रेटेड डिफ्यूजन, जब कैरियर प्रोटीन पैसिव भी करती हैं एक्टिव भी करती हैं। तो ये थे पोडिंस। तो आज के हमने इस लेक्चर में सबसे पहले देखा माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है सिंगुलर नहीं है, इसके बाद हमने व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये कलरलेस ऑर्गेनेल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट से रिजेंबल करते हैं, इसके बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर है, जबकि ह्यूमन का दूसरे न्यूक्लियस के अंदर जो था जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो लीनियर है, और F1 पार्टिकल इन ATP सेंसेस, ATP सेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और क्रैब साइकिल कहाँ होता है, क्यों होता है, पोडिन जो कि इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि मटीरियल को मूव कराती हैं और आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पता पड़ा होगा कि साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के साथ और भी जो से साइटोक्रोम है वो सारे पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और वो इन्वॉल्व होते हैं बोथ ATP फॉर्मेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, और जितने भी प्रोसेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा में पाई जाती हैं। तो इसमें से चंद MCQs भी देखे किस तरह से बनते हैं, मजीद MCQs तो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे उसमें। होप यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।